बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आशा कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी आपके लिए कढ़ाई, और ये देख लेते हैं, पूरा यूनिक सा तरीका है हमारा। सारी मैरिनेशन करके मैं इसमें दिखाऊंगी आप लोगों को। ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देती हूँ, 1.5 चम्मच। ये कुटा धनिया ऐड कर दूँगी, ये मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी। इसमें ऐड करना है मैंने दही ऐड कर दिया मैंने। ये मैंने ऐड कर देनी क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम, ये कम से कम 3 से 4 चम्मच मैंने शामिल किया है। और ये वाइट पेपर आधा टीस्पून मैंने शामिल किया। आप चाहें तो, अगर नहीं हो तो काली मिर्चें भी ले सकते हैं पिसी भी। ये मैं कढ़ाई मसाला ऐड कर दूँगी 2 चम्मच, जो आम बाज़ारों में मिलता है वो वाला मैंने लिया है, शान या नेशनल का नहीं है। ये मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी हल्की सी, क्योंकि वैसे ही मसाले में हल्दी ऐड होती शामिल होती है। थोड़ी सी मैं पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर दूँगी, और इसी में मैंने शामिल कर देने हैं ये टमाटर। तकरीबन मेरा 1.25 किलो गोश्त था, तो ये मैंने 3 पाव के करीब टमाटर लिए हैं। इनको खूब अच्छे से हम मैरिनेशन कर लेंगे, मिला लेंगे सब मसालों को। देखिए ये बाउल मेरा छोटा पड़ रहा था, तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है बड़े। ये देखिए इनको खूब अच्छे से हम मिला लेंगे। यकीन जाने ये रेसिपी आपको जब आप बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार किस्म की आपकी रेसिपी होगी तैयार, और आप दुआ में हमें याद रखा करें, समझेंगे। देखिएगा कि कोई चीज़ तैयार हुई है हमारी, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। ये इसलिए रखेंगे, टमाटर का जो जूस वगैरह होता है जो इसका इसमें गोश में शामिल हो जाता है, तो इसको कम से कम हम 2 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, ये थोड़ा सा मसाला मैंने और ऐड किया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मसाले डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। आप स्पाइसी खाते हैं या हल्का खाते हैं, जो भी खाते हैं अपने हिसाब से आप हर चीज़ को शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी, हरी मिर्चें शामिल कर दी मैंने, इनको भी मैं खूब अच्छे से इसी में डाल दूँगी। अब अच्छे से हमारा हर चीज़ में मसाला लग चुका है, तो अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र कर देंगे, इसको कवर लगा देंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। देखिए जी, हरा धनिया भी इसी के ऊपर मैं शामिल कर दूँगी, और मैं अब कवर लगा दूँगी, पैक कर दूँगी इसको, उसके बाद 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। हमारे घर में देखें, 2 घंटे हमारे मैरिनेशन को हो चुके हैं चिकन को। अब हमने कढ़ाई ले ली है, ये शामिल कर लेते हैं हम। इसमें ऐड कर लिया हमने ऑयल, ये चिकन मैरिनेशन किया हुआ ऑयल में हम ऐड कर देते हैं। इसको तकरीबन हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, मीडियम आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे, साथ के साथ कवर लगा देंगे ताकि जल्दी से हमारे टमाटर वगैरह मैश होने लगे, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, चेक कर लेते हैं, ये टमाटर हमारे पकना शुरू हो गए हैं। ये देख लेते हैं, देख लें टमाटरों ने कितना इसमें पानी छोड़ दिया है। ये मुर्गी हमारी इसी में गल जाएगी, नरम हो जाएगी, देख लीजिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत यूनिक और डिफरेंट सी हमारी रेसिपी होगी बनकर तैयार, आप भी ज़रूर बनाइएगा, हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनकर होगी तैयार इंशाअल्लाह करीम। आप ये देखें कितना प्यारा सा इसका कलर आया है, इसको मज़ीद कवर लगा के रख देते हैं। देखें जी, चेक कर लेते हैं, कढ़ाई हमारी मज़ेदार सी हो रही है तैयार, देख लीजिए। ये बिल्कुल हमारा अलग हो रहा है, मज़ेदार खुशबू आ रही है। इसमें नमक चेक कर लेते हैं, क्योंकि नमक मैंने मसाले की वजह से ऐड नहीं किया था, नमक थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी। ये थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर दूँगी इसमें। देखिए कितनी यूनिक सी हमारी कढ़ाई है, और बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है। आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। जी हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, ये हमने हरी मिर्च ऐड कर दी है, अदरक ऐड कर दिया मैंने, ये मैं शामिल कर दूँगी। इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया मैंने, बहुत ही मज़ेदार शानदार से हमारी ये कढ़ाई बनी है यूनिक सी। आप भी बताइएगा कैसी बनी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी रेसिपी को शेयर किया करें, लाइक किया करें, और बताया करें। आपके बताने से हमारी हौसला अफजाई होती है, फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर होते हैं। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में हमें भी याद रखें।